मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल ज्योतिज आइडिया में। और देखिए आज हम जो है जो महिला का मंथली साइकिल होता है उसके बीच में एक फर्टाइल विंडो जो है आती है, जिसे आप ओवुलेशन भी जानते हैं, जिसे आप जो है एग रिलीज होने का समय भी जानते हैं, आप उसे फर्टिलिटी विंडो भी कहते हैं, उसे कई नामों से जाना जाता है। देखिए आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि हर महिला कहेगी भाई मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना, आपको क्या इश्यू हो रहा है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए इसको जानने की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए महिला का जो मंथली साइकिल होता है, आप सब भी जानते हैं कि उसके जो महिला का जो एक नेचुरल प्रोसेस है ये क्यों बनाया गया है, महिला के जो है प्रेग्नेंट होने में, उसके उसको प्रेगनेंसी अवॉइड करने में, बहुत सारी चीज़ों में जो है उसको ज़रूरत होती है। तो इसके देखिए मेन जो मैं जानती हूँ जहाँ तक, तो इसके दो ही रीज़न होते हैं कि आपको जो है फर्टिलिटी के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए एक तो अगर आपको पता चल जाए कि अगर आपकी फर्टाइल विंडो कहाँ से कहाँ तक है, तो उस टाइम पीरियड में आपको जो है बहुत केयरफुली रिलेशन बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय पूरी संभावना होती है जो है आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। इसीलिए आपको जो है जानने की ज़रूरत होती है कि भाई क्यों हम इसको जो है जान सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि बहुत सी महिलाएं इस दर्द से, इस तकलीफ से गुजर रही हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी वो जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, है ना। उसके पीछे जो रीज़न रहता है कि वो कभी भी, उनको ये नहीं पता होता कि भाई कब जो है ज़्यादा चांस है प्रेग्नेंट होने का, उस टाइम पीरियड में वो जो है ट्राई नहीं कर पाते हैं और इसीलिए ऐसा होता है ना। अगर इन दोनों रीज़न को देखते हुए देखें तो फर्टिलिटी के बारे में जान लीजिए, और वैसे भी हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो आई थिंक कि इसके बारे में जानने में आपको कोई इशू नहीं होगा। तो एक मैं बेसिक सा परिचय आपको दे देती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि आपको जो मंथली साइकिल होती है वो आपको कितने दिन की होती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका मंथली साइकिल, देखिए लोग जो है ना बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि कह क्या रहे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करूँगी आगे भी। आपका जिस दिन शुरू हुआ है, जैसे सपोज किसी का 5 से शुरू हुआ है, किसी का 9 से शुरू हुआ है, किसी का 10 से, तो वो डेट आप उसको नोट कर लीजिए और उस दिन से लगाकर 11 दिन तक काउंट आप कर सकते हैं। जिस दिन से आपको का जो है हुआ है वहां से आप 11 दिन तक काउंट कर लीजिएगा, तो जो 11वां दिन से लेकर 16वां दिन तक होगा वो आपका फर्टिलिटी विंडो होगा, हाईली जो जिसे हम बोल सकते हैं कि जहाँ जो है पूरी संभावना होती है। तो अब इसमें महिलाओं को क्या करना है कि जो चाहती हैं कि भाई हमें चांस लेना चाहिए वो इन डेज में ट्राई कर सकते हैं, और जिनने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि भाई हमको तो ट्राई करना ही नहीं है, हमारे तो कैसे भी मतलब हमको तो अवॉइड ही करनी है, वो इस टाइम पीरियड में जो है ध्यान रखेंगे, थोड़ा प्रकॉशन लेंगे या फिर सेफली जो है अपने रिलेशंस को अंजाम देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्टिलिटी को जो है जानना क्यों ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसके लक्षण मतलब आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, है ना। नॉर्मली देखिए इसका एक कैलकुलेशन होता है कि कैसे आप कैलकुलेशन, वो मेथड मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है इसके जो लक्षण हैं उनके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे आप जो पता लगाएं। देखिए जब भी आपका जैसे जो स्टार्ट होते हैं ना, चलिए पहले हम मेथड समझ लेते हैं, ऐसा करते हैं, मेरा कोई प्री प्लान नहीं है इस वीडियो के लिए, तो मैं पहले आपको लक्षण समझा देती हूँ कि किस तरीके से होता है, उसके बाद मैं आपके लक्षण भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो ओवुलेशन होता है वो मासिक चक्र का ही एक हिस्सा होता है ना। आप सब ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये जो मंथली साइकिल होती है उसका ही जो है ओवुलेशन उसी के अंदर जो है होता है, तो ये जो है हमारे मासिक चक्र का एक हिस्सा है। इस समय ओवरी में एग रिलीज होते हैं, इसीलिए से ओवुलेशन पीरियड जो है वो बोला गया है, क्योंकि इसी समय जो है एक जो ओवुलेशन में जो है एग जो है वो रिलीज होते हैं, बाकी पूरे मंथली साइकिल में वो नहीं होते हैं, लेकिन ये जो विशेष समय होता है इस समय ये जो एग है ये रिलीज हो रहे होते हैं, और इसीलिए संभावना ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है इसमें जो है जो एग है वो स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि स्पर्म से फर्टिलाइज होता है,
जैसे हम अगर इसमें देखें कि जैसे ही स्पर्म जो है फर्टिलाइज होगा देन वो ओवरी से कहाँ चला जाएगा, गर्भाशय में। और गर्भाशय में पहुंचने के बाद ही जो ये है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। जैसा कि फ्रेंड आप सबको पता है कि जो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ओवुलेशन होता है वो मासिक चक्र का ही एक हिस्सा होता है ना। इसके बिना ये जो है कंप्लीट नहीं हो सकता। और जिन लोगों में यह प्रक्रिया नहीं होती है इसके अंदर, मतलब ओवुलेशन अगर जो है नहीं होता है मासिक चक्र के अंदर, तो वहाँ जो है बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत सारी गड़बड़ होने का मामला सामने आता है। अब बात करते हैं फ्रेंड कि ये जो होता है इस समय में एग रिलीज होता है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जैसे देखिए मासिक चक्र जो होता है वो मिनिमम 28 डेज का होता है, बहुत अधिकतर जो है 28 डेज का होता है, लेकिन कहीं कहीं 32 डेज का भी ये होता है। यानी कि जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि भाई उनको पता होता था कि भाई अगर आपका टाइम पीरियड जो है ना वो 6 को आने वाला है तो नेक्स्ट भी जो है ना 6 को ही आएगा। ये तो हो गई आपकी 28 डेज की साइकिल, लेकिन कहीं कहीं वो 6 को ना आकर के अगर 8 को आ रहा है ना, तो आपकी हो गई 32 डेज की साइकिल। जितने भी आपकी लास्ट तारीख से दिन आगे बढ़ेंगे वहां आपके ये दिन इसमें बढ़ते जाएंगे। और इस चीज पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं कहीं हमसे पूछा जाता है कि भाई आपके ओवुलेशन जो तारीख है, मतलब जो जो आपका जो मंथली साइकिल है वो कितने दिन का है। कहीं कहीं 35 डेज का भी होता है, कहीं कहीं 37 डेज का भी होता है, लेकिन अगर 28 से 32 के बीच में है तो दैट इज नॉर्मल। लेकिन इससे ज्यादा अगर आपका बढ़ रहा है, जैसे 35, 37, 40, 45 इस तरीके से अगर बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए जो है हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें तो जो ओव्यूलेशन होता है वो आपके 6 से 14 दिन है ना, 6 से 14 दिन के अंदर जो है माना जाता है। जैसे कि और जो फर्टिलाइज विंडो होती है ना, जो फर्टाइल विंडो होती है वो 6 दिन की होती है। जैसे कि मैं आपको क्लियरली बता दूं जैसे कि होता क्या है कि जैसे कि एक से लेकर ये चीज़ मैंने आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ तक आपको ये अगर कोई दिक्कत है तो मैं एक बार आपको जो है अगेन जो है एक्सप्लेन, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि आपकी जो मंथली साइकिल है वो कितने डेज की है। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ओव्यूलेशन का जो डेज है वो कौन से दिन से और कौन से दिन तक चल रहा है, और फर्टाइल विंडो जो है कितने दिन की है आपकी। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता है तो आप इसका जो है अपने प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में, प्रेगनेंसी को कंसीव करने में, दोनों ही तरीकों में आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड एक और चीज़ है कि इन सब चीज़ों पर आपको कैसे पता चलेगा, तो एक जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो सबके अंदर सेम ही होते हैं है ना, लेकिन कहीं ज़्यादा होती है उनकी मात्रा, कहीं कम होती है ना। तो आप उन सिम्टम्स से, जैसे कि फर्स्ट में अगर कहूँ तो जो है ना, फर्स्ट तो क्या होता है, सबसे पहले ये हम आपको समझा देते हैं, ये नहीं समझाते, ये समझा देते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए ये फ्रेंड क्या होता है कि इसमें कि 1 से लेकर 28 डेज तक जो है होते हैं है ना। इसमें से जैसे सपोज आपका जो डेट है, आपका जो पीरियड है वो 1 तारीख से आया और 5 तारीख तक चला, तो 5 तारीख तक तो चला, और 6 से 10 तारीख तक यानी 5 के बाद में जो 6, 7, 8, 9, 10 ये 4-5 दिन होंगे ये आपके लिए सेफ जोन होगा। हालांकि ये नहीं कह सकते कि इसमें आपको जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, प्रेगनेंसी कंसीव होगी, लेकिन इस समय महिला के अंदर एग रिलीज नहीं हो रहे होते हैं उनके ओवरी में, तो उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। वो अगर चाहें तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रख के भी जो है उस चीज़ को रिलेशन जो है मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 11वां दिन आपका स्टार्ट होगा यानी आपके पीरियड से जो 11वां दिन आपका स्टार्ट होगा, तो 11वें दिन से 16वां दिन जो होगा वो आपके फर्टाइल टाइम माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है कि यानी कि 1 से 28 तारीख तक हम मान के चलते हैं कि इतना होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। तो अगर आपका जो डेट है वो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ और 5 तक चला, 5 डेज का ही होता है मिनिमम, कहीं 7 डेज का होता है तो इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7वें दिन से लेके और आप आगे के आपके पीरियड के फर्स्ट डे से आपको जो नोट करना है वो करना है आपके पीरियड का फर्स्ट डे। ओके, आपके पीरियड का फर्स्ट डे आपको जो है नोटिस करना है, और उस से लगा के जो 11वां दिन होगा, ओके, जो आपका 11वां दिन होगा वहां से आपका जो फर्टाइल है वो स्टार्ट हो जाएगा, और 11 से लेकर वो जो रहेगा 16 दिन, क्योंकि मैंने आपको यहां भी जो है ये चीज एक्सप्लेन करा है कि जो फर्टाइल विंडो होती है वो 6 डेज की होती है। तो आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यानी कि 11 से 21 डेज यानी कि पीरियड के फर्स्ट डे से और जो है 11वां दिन, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड।
फ्रेंड आपको ना समझ में आ गया होगा कि ये मैंने किस तरीके से आपको जो है एक्सप्लेन किया, किस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद में एक जो सामान्य जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ और वो ये है कि आपको ऐसे कौन से कॉमन तरीके जिनसे आप जो है ना बिना कैलकुलेशन के भी, अब जैसे कैलकुलेशन किसी किसी कोई कोई आके अब एक क्वेश्चन करेगा कि भाई नहीं मेरा तो 7 डेज में फिनिश होता है, कोई कहेगा नहीं नहीं मेरा तो जो है 40 डेज का साइकिल है ना, तो वहाँ पर प्रश्न उठने लगेंगे। तो एक कॉमन जो है मैं बात भी बता देती हूँ कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको जो है ना मतलब पीरियड के 5 या 7 दिन बाद ना आपको ना आपके बॉडी के टेम्परेचर पे ध्यान देना है ना। या तो आपको बहुत जो है लो फील होगा, है ना, कहते हैं ना मतलब जैसे बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा या फिर बहुत हाई हो जाएगा, आपको फीवर भी आ सकता है, या आपको जो है मतलब बिल्कुल जैसे हो जाता है ना बीपी लो वाली कंडीशन वैसे टाइप की हो जाएगी, है ना। तो इस ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है और ऐसा होता है क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर इतना बड़ा प्रोसेस जब चल रहा होता है ना तो वो बाहर भी जो है दिखने लगता है ना, अंदर का प्रोसेस बाहर भी दिखने लगता है। एक जो होता है कि इस टाइम पर एक जो है वजाइना से एक जो है म्यूकस रिलीज होता है और वो जो म्यूकस होता है ना वो जो है ना मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, एकदम वाइट, है ना, जैसे अपना जो थूक होता है ना टाइप, या जैसे गोंद होता है ना गोंद गम, वैसे टाइप का जो है होगा म्यूकस रिलीज। उस चीज़ पे भी आप फोकस कर सकते हैं कि भी आपको, और अगर आप ध्यान देने लगेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, है ना। और थर्ड जो होता है ना एक अजीब सा जैसे स्टमक अपसेट हो जाना या फिर जो है एक ऐंठन जैसा आपको पेट में फील होना, लोअर जो है पेन होना, जैसे पहले डिलीवरी हो चुकी है तो आपको अपने बॉडी पार्ट्स में जो है वहाँ जैसे सिजेरियन वालों को जो है ना बहुत ज़्यादा पेन जो है वहाँ फील होता है उस टाइम में, तो वो भी आप, लेकिन हाँ इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको मेडिसिन लेनी पड़े या आपको मतलब डॉक्टर के जब दिखाना पड़े, मतलब एक जनरल से सिम्टम्स होते हैं और जिनको आपको जो है ना मतलब समझना होता है सिर्फ। और इसके बाद ना एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मैं आपको बता दूँ कि जो मतलब आप खुद ही देखिए, हर महिला की कभी ना कभी है ना जो ये रिलेशन बनाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ जाती है। तो आप ये मान लीजिए कि जब आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा कर रही है ना तो समझ लो कि तभी ना आपका जो वो जो ओवुलेशन टाइम है वो रनिंग है, क्योंकि ये जब चलता है तो ये इसका एक कॉमन लक्षण है कि आपकी जो इच्छा है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। और वो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि भाई वो एग तो चाह रहा है ना कि भाई जो स्पर्म है वो आए और आकर जो है फर्टिलाइज हो और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो, क्योंकि वो बनी इसीलिए रहा है ना कि भाई उसको कोई यूज़ में ले। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी के अंदर। आई थिंक मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बहुत सारे डॉक्टरी टर्म जो है समझा दिए होंगे और आई होप कि आपको इस सबसे मदद भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो आप जो है ये जो कॉमन लक्षण मैंने बताया है ना ये हर महिला के साथ होते हैं, बस अंतर होता है कि आज तक आपने उनको समझा नहीं होगा, है ना। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि किसी किसी को मतलब आके अचानक बोलते हैं कि यार मेरे ना आज मतलब शरीर बड़ा अजीब सा हो रहा है, बड़ा ऐसे मतलब कोई ना तो आपको फीवर है ना आपको कुछ भी नहीं है लेकिन आपको अजीब सा हो रहा है, तो वो अजीब सा ना कहीं आपके फर्टिलाइजेशन का हो सकता है। और अगर वो आपके पीरियड मतलब 6 या 7 दिन बाद से हो रहा है ना तो आप डेफिनेटली समझ जाइए कि आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो है। और दूसरा एक इसका जो अहम रोल है आपको इसलिए भी जानना ज़रूरी है, जैसे कि अब आज आपकी बहुत जो है इच्छा अंदर से हो रही है ना, तो आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो अनसेफ्टी की वजह से जो चीज़ें होंगी वो बहुत जो है नुकसानदेह होती हैं महिलाओं के शरीर के लिए। तो आई थिंक आपको जो है ये फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो आई होप पसंद आया होगा और मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। और अगर हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बाय।